और माय मीडिया डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि सोनालिका कंपनी अपने खुद पंजाब स्टेट में होशियारपुर में इसका प्लांट है। इस कंपनी ने सबसे पहला ट्रैक्टर 1996 में बनाया था। आज इस कंपनी को मात्र ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर अराउंड 25 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। 25 साल में हमारे पास 13 लाख कस्टमर का बेस हो चुका है, 13 लाख किसानों का परिवार हो चुका है डोमेस्टिक और पूरे वर्ल्ड में मिला के। और मुझे बहुत ही खुशी, मुझे बहुत ही गर्व महसूस है कि आप लोगों को बताते हुए कि हिंदुस्तान से ये कंपनी एक्सपोर्ट के अंदर नंबर वन हो चुकी है। हम 130 कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और होशियारपुर में हमारा वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। एक ही छत के नीचे 3 लाख ट्रैक्टर बनाने की कैपेसिटी अपने होशियारपुर प्लांट में है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने मीडिया फ्रेंड्स को, डेलीगेट्स को, कि आप पंजाब में ही हो, अगर कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उधर की तरफ, आप कभी ट्रैवल करते हो तो हमें प्लीज़ बताइए, तो आपके अपने होम स्टेट के अंदर इस प्लांट को जरूर देखिए। इसके साथ साथ आज हमारे पास पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट की रेंज है, फार्मर की नीड के हिसाब से, उसके जुट के हिसाब से। और आज हम जो यहाँ पे जो 2 ट्रैक्टर बाहर लेकर आए हुए हैं लॉन्च करने के लिए, ये CRDS टेक्नोलॉजी के तहत है, जो TREM IV के नॉर्म्स है, जिसमें फ्यूल को पूरा बैलेंस करके इन्वायरमेंट को फ्रेंडली रखने के लिए वो ट्रैक्टर भी हमने आने वाले, अभी TREM IV इम्प्लीमेंट नहीं हुए, अभी इसको इम्प्लीमेंट होना है, बट उससे पहले हम उस ट्रैक्टर को लेकर रेडी है। क्योंकि हम इतनी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम काफ़ी नॉर्म से बेहतर हमारे इंजीनियर्स जानते हैं, तो ट्रैक्टरों को हम रेंज को रेडी करके आज आपके साथ यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 13 लाख कस्टमर के बेस में 2 लाख हमारा बाहर है, 11 लाख के करीब यहाँ पे है। आज हम हिंदुस्तान की 3rd लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी हो चुकी है इतने शॉर्ट टाइम में। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि इतने शॉर्ट टाइम में अगर हम इतनी बड़ी कंपनियों को या इतने पीछे किया, या हमारे साथ भी बहुत कंपनी आई थी जो हमने डिफरेंट टाइप की लीड्स ली, उसके पीछे जो सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि हमने हमेशा फार्मर की नीड को समझा है। फार्मर की नीड को समझते हुए हमने उसके ख्याल को रखते हुए कि इंडिया के किस एटमॉस्फेयर में, किस वातावरण में, उसको किस तरह की एप्लीकेशंस में ट्रैक्टर को चलाना है, उसके हिसाब से ट्रैक्टर को बनाया है। और बनाने के साथ साथ हमेशा हमने कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है। इसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल कर सके हैं। और इसके साथ ही हमने बहुत ट्रेनिंग सेंटर, स्किल सेंटर्स भी डेवलप कर रखी है सोनालिका ने, जो हमारे फार्मर को डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये था अबाउट हमारी सोनालिका कंपनी के बारे में। अगर आपके मन में कुछ भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी कोई सवाल जवाब है, तो हम रेडी आप इसमें डिस्कस करने के लिए। सर, ये कॉमन रेल ट्रैक सिस्टम्स है, इसमें फ्यूल अलग अलग ना होकर एक रेल्स के थ्रू जाता है, जिसमें फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर हो जाती है, जिसमें आपको फ्यूल की एफिशिएंसी मिलती है, माइलेज भी आपकी इंक्रीज हो जाती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहता है। इसमें ऑलरेडी चेंज होकर टेक्नोलॉजी आई है, वेल टेस्टेड, हमने फार्मर्स को ट्रैक्टर भी दे दिए, हमारे फॉरेन में भी चल रहे हैं, इंडिया में भी हमने ऑलरेडी ट्रैक्टर्स करीब करीब 50+ ट्रैक्टर हम कस्टमर को डिलीवर कर चुके हैं। इससे पहले हमारी 2-3 साल टेस्टिंग चली है, ऑलरेडी हमारे CRDS के अराउंड 50 कस्टमर्स इस ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं। पावर इसमें अलग अलग हॉर्स पावर में, एक हमने 65 हॉर्स पावर में लॉन्च किया है, एक 75 हॉर्स पावर में किया है। अभी इंट्रोडक्शन प्राइस हमने जो 65 लाख का है, टाइगर 65 फोर व्हील ड्राइव CRDS के साथ अराउंड 11 लाख के आसपास रखा है, और वो दूसरा जो ट्रैक्टर है वो 12 लाख के आसपास रखा है। डेफिनेट, यू आस्क वेरी राइट क्वेश्चंस। फर्स्ट आई विल रिप्लाई टू यू कि वी आर मेकिंग द ट्रैक्टर्स मॉडल वाइज, फर्स्ट यू हैव टोल्ड फ्रॉम 20 HP टू 120 HP, तो दिस इज द डिफरेंट HP रेंज वी आर प्रोड्यूसिंग द ट्रैक्टर्स विद डिफरेंट मॉडल नेम्स। सेकेंड थिंग कि देर इज अ नो डाउट आने वाला वक्त जो है इलेक्ट्रिकल का आएगा। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक में एक ट्रैक्टर हम लॉन्च कर चुके हैं अराउंड, हमने कोविड के टाइम पे 2 ईयर्स बैक वी हैव लॉन्च द ट्रैक्टर्स 26 के नाम से, एक ही अभी हमने मॉडल में उसको इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया हुआ है। अभी हमने कुछ ट्रैक्टर डिलीवर्स भी किए हैं, आगे वी आर वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी काम करना। सर, डिफरेंट स्टेटों में डिफरेंट स्कीम चलती है। पंजाब में जैसे कुछ पीछे इंप्लीमेंट्स वगैरह पे आती रहती थी, पीछे रोटावेटर्स वगैरह में आई थी, मतलब कुछ ना कुछ स्कीम्स फार्मर के लिए चलती रहती है, कुछ ट्रेनिंग कैंप चलते रहते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं। पीछे ये अपना बर्निंग के लिए बड़ा एक इशू उठा था, गवर्नमेंट ने काफ़ी उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट की थी। नहीं, हमारी तो इसमें हमारे खुद के इम्प्लीमेंट्स भी बनाते हैं, हम 70+ हमारे इम्प्लीमेंट्स भी बनते हैं, तो वो ट्रैक्टर का अलग हो गया। इम्प्लीमेंट्स तो फिर कस्टमर की अपनी फार्म की नीड के हिसाब से है, किसी को रोटावेटर चलाना है, किसी को कल्टीवेटर चलाना है,
किसी को आजकल सुपर सीडर काफी चल रहा है क्योंकि काफी नया इंप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ है पंजाब के फार्मर्स वेरी एडवांस फार्मर्स, तो सुपर सीडिंग में जो बर्निंग वाला होता है वो भी नहीं, इसमें रेजिडुअल भी नहीं बचता है मतलब है, तो उसमें भी हमारे ट्रैक्टर ऐसे पावर के नाम से जाने जाते हैं, तो वेरी सक्सेसफुल हमारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। यस यस डेफिनेटली, ये ट्रैक्टर हमने जो लॉन्च भी किया मल्टी स्पीड में लॉन्च किया है, 12+12 स्पीड है, तो 24 स्पीड होने की वजह से हर इंप्लीमेंट को डिफरेंट स्पीड चाहिए होती है, तो वो सारी स्पीड एक ही ट्रैक्टर में मैच हो जाती है। आई हैव अनदर क्वेश्चन, यू नो वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दे गो अराउंड ऑन द हाईवेज एंड द ड्राइवर्स द फार्मर्स माय ब्रदर्स दे आर नॉट फुल्ली ट्रेन्ड, दिस इज द वन पार्ट। द सेकंड इज they carry big trailers, the trolleys, and trolleys, you know, they make the tractor on a road very unsafe, and there are a large number of data available that a large number of accidents on the roads are caused by the tractors. So very good question you asked. At the time of delivery the tractor to the farmers, हम अपने सारे हमारे टेक्नीशियंस के थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द ट्रैक्टर्स हम विद इन 7 डेज के अंदर फार्मर के घर में इंस्टॉलेशन करवाते हैं कि ये कितना लोड लेके जा सकता है, कितनी आपकी कैरिंग कैपेसिटी लेके जा सकता है, और इसके अंदर हाई स्पीड्स क्या है सिस्टम में, ताकि अगर कोई ओवरलोडिंग करता है तो उसको हम पूरे अपनी तरफ से गाइड करते हैं। देखिए बट फिर उसके बावजूद भी आप कारों में भी देखते हैं, बाइक्स में भी देखते हैं कि उसके पास हर बंदे की अपनी ह्यूमन टेंडेंसीज होती है कि इवन आफ्टर ट्रेनिंग के बावजूद भी कुछ लोगों को करते हैं तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, बट हमारी तरफ से कभी भी इस तरह की डेमोस्ट्रेशंस नहीं की जाती, हम हमेशा प्रॉपर इंस्टॉलेशंस करके गाइड करते हैं अपने फार्मर्स को कि आपको इतना ही लोड कैरी करके चलना है, इतना ही ट्रॉली में आपको लेके चलना है, अगर हमारी 1 टन लेके जा सकती है वैसे तो हमारी 12 टन भी ले जाएगी, बट हम हमेशा एक मिनिमम वैल्यू रिकमेंड करते हैं ताकि इससे ज़्यादा वो लोड ना लेकर जाए इसके अंदर से। काफी ओवरलोड कर लेते हैं, टर्निंग होती है, अगर आप सड़कों में ज्यादा देखेंगे तो ट्रॉली के टर्निंग के ज्यादा दिखते हैं देखने के लिए। खेत में हमारे बहुत मिनिमम टर्निंग पॉइंट पे भेजे थे, एग्जैक्ट डाटा इज नॉट विद अवेलेबल विद मी, माय इंजीनियर्स विल प्रोवाइड टू यू इफ यू नीड। कंट्री मेन कौन कौन से आपके? 130 कंट्री में वी आर एक्सपोर्टिंग इन एवरी कंट्रीज। अच्छा जी, आई थिंक एक्चुअली डायरेक्टली आई नॉट डीलिंग द एक्सपोर्ट्स, माई एक्सपोर्ट टीम इज सेपरेट्स, अवर वहाँ पे क्लीग इज सेपरेट्स, बट एक्जैक्टली आई कैन नॉट गिव यू द डाटा हाउ मच सोल्ड इन द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, बट इन एवरी कंट्री वी हैव अ गुड डिमांड। देखिए अगर हम एक्सपोर्ट पे नंबर 1 है, अवर मार्केट शेयर इज 25% एंड 35,000 ट्रैक्टर्स वी आर सेलिंग, इट मीन्स वी आर सेलिंग इन एवरी कंट्री। अभी रिसेंटली हमने US के अंदर भी अपना एक असेंबली प्लांट लगाया है वहाँ पे भी। हम टॉप 2 पोजीशंस में हैं, जो मतलब नाम गानों में भी चलता है, जो मतलब जो सुपीरियर क्वालिटी का जो माना जाता है ट्रैक्टर उसे बोल सकता हूं, तो आपको राइट है बोलने का, वी हैव नो इशू फॉर दैट थिंग्स। 811 कहते हैं उसको, मतलब बाकी हां जी कंपैरिजन में है 811 कहते हैं उसको। सर HFT का 5911 जो कह रहे हो आप पे जी, हां जी जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि HFT 5911 एक बहुत पुराना ट्रैक्टर ताकत से जाना जाता था, एक उसमें ढोलू कराया होता था, एक इम्प्लीमेंट ढोलू कराया जो राजस्थान के हनुमानगढ़ की बैल से चलता था, जो मिट्टी को ऐसे रोटेट करता था, वो बड़ी ताकत सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होती थी, उस पावर को सिर्फ HMT 5911 ही चला पाता था पुराने टाइम में। वेन सोनालिका केम इन 1996 आफ्टर HMT 5911, सोनालिका इज द ओनली कंपनी जिसका 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ने वो ढोलू कराए को चलाता है।